पहला क्वेश्चन, प्रायः बालक चलना किस वर्ष में सीख लेता है? उत्तर है लगभग 1.5 वर्ष में। दूसरा क्वेश्चन, शैक्षणिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं? उत्तर है किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था। प्रश्न तीसरा, बालक में सर्वप्रथम भय, क्रोध तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं? कथन है, यह कथन किसने दिया है? तो उत्तर है वाटसन। वाटसन ने ही बालक में सर्वप्रथम भय, क्रोध तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं, वाटसन ने कहा था। हमारा चौथा प्रश्न है, प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया? उत्तर है विलियम हिली। पांचवा क्वेश्चन, किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है? उत्तर है अभिवृक्क ग्रंथि। प्रश्न नंबर छठवां, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा है? उत्तर है रॉस। प्रश्न नंबर सातवां, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता है? उत्तर है अल्फ्रेड बिने। प्रश्न नंबर आठवां, ब्रिजेस के अनुसार उत्तेजना भाग है? उत्तर है संवेगात्मक विकास का। प्रश्न नंबर नौवां, तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है खाली स्थान की आयु पर? उत्तर है 11 वर्ष। प्रश्न दसवां, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? उत्तर है अभिप्रेरणा। प्रश्न ग्यारहवां, एक कारक सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है एक कारक सिद्धांत को राजकीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न बारहवां, बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? उत्तर है बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत एक कारक सिद्धांत है। प्रश्न तेरहवां, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? उत्तर है स्पीयरमैन ने दिया। प्रश्न चौदह, स्पीयरमैन कहाँ के निवासी थे? उत्तर है स्पीयरमैन फ्रांस के निवासी थे। प्रश्न पंद्रह, स्पीयरमैन पहले किस विषय के प्रोफेसर थे? उत्तर है स्पीयरमैन पहले सांख्यिकी विषय के प्रोफेसर थे, बाद में मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने। प्रश्न 16, स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध किससे बताया है? उत्तर है स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध चिंतन से बताया है। प्रश्न 17, बालकों के भाषाई विकास का क्रम क्या है? उत्तर है बालकों के भाषाई विकास का क्रम पहला रोना, दूसरा बलबलाना, तीसरा हाव भाव है। प्रश्न नंबर 18, बालक किस उम्र में वाक्यों द्वारा अपनी बात को कह पाता है? उत्तर है 5 वर्ष की उम्र में। प्रश्न 19, बालक सबसे पहले क्या बोलता है? उत्तर है व्यंजन। वह सबसे पहले माँ शब्द बोलता है, माँ शब्द जो है वह व्यंजन है। प्रश्न नंबर 20, बालक सबसे पहले किसकी भाषा को पहचानता है? उत्तर है बालक सबसे पहले अपनी माँ की आवाज़ को पहचानता है, इसे ही मातृभाषा कहते हैं। प्रश्न 21, कहाँ पर बालक सामाजिकरण के नियम स्वयं सीखता है? उत्तर है खेल के मैदान में, जैसे आपस में सहयोग करना, अपने क्रोध पर संयम करना, त्याग करना। प्रश्न 22, बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न हो जाती है? उत्तर है किशोरावस्था में। प्रश्न 23, क्षेत्र सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था? उत्तर है कार्ल लेविन ने। प्रश्न 24, कार्ल लेविन
कहाँ के वैज्ञानिक थे? उत्तर है जर्मनी के। प्रश्न 25, गेस्टाल्टवादी क्या है? उत्तर है जर्मनी के विद्वानों का समूह जिसमें कोहलर, दूसरा कोपहा, तीसरा वर्दीमर शामिल है। प्रश्न 26, कर्ट लेविन किस संप्रदाय के समर्थक थे? उत्तर है संज्ञानवादी। प्रश्न 27, क्षेत्र सिद्धांत को किस किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत, दूसरा स्थान मनोविज्ञान सिद्धांत, तीसरा बाल दिशा मनोविज्ञान। प्रश्न नंबर 28, कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत के क्षेत्र का अर्थ क्या है? उत्तर है जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में से है, जैसे शिक्षा का क्षेत्र, स्वास्थ्य का क्षेत्र। प्रश्न 29, अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत किसने दिया? उत्तर है रॉबर्ट गेन ने दिया। प्रश्न 30, रॉबर्ट गेन किस संप्रदाय के समर्थक थे? उत्तर है संज्ञानवादी। प्रश्न नंबर 31, मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को परिभाषित किसने किया? उत्तर है अल्फ्रेड बिने ने। इन्होंने बताया कि बुद्धि दो प्रकार की होती है, मानसिक आयु बुद्धि, दूसरा वास्तविक आयु बुद्धि। प्रश्न 32, अल्फ्रेड बिने किस देश के निवासी थे? उत्तर है फ्रांस के। प्रश्न 33, अल्फ्रेड बिने किस विषय के प्रोफेसर थे? उत्तर है मनोविज्ञान के। प्रश्न 34, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? उत्तर है अल्फ्रेड बिने एवं उनके सहयोगियों ने। पहला सहयोगी थे ईस्टर्न, दूसरा टर्मर, तीसरा साइमन। प्रश्न 35, बुद्धि के दो कारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने। प्रश्न 36, बुद्धि के दो कारक सिद्धांत कौन कौन से है? उत्तर है बुद्धि के दो कारक सिद्धांत, पहला है जी कारक सिद्धांत, दूसरा एस कारक सिद्धांत। प्रश्न 37, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? उत्तर है थर्स्टन ने। इसके अनुसार बुद्धि के 7 कारक होते हैं। प्रश्न 38, बुद्धि का बहु कारक सिद्धांत किसने दिया? उत्तर है थार्नडाइक ने। प्रश्न नंबर 39, बुद्धि का बहु बुद्धि सिद्धांत किसने दिया? उत्तर है गार्डनर ने। प्रश्न 40, बुद्धि का तरल व ठोस सिद्धांत किसने दिया? उत्तर है आर बी कैटल ने। प्रश्न 41, कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? उत्तर है संज्ञानवादी। प्रश्न 42, चूहे पर अपना प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया? उत्तर है स्किनर ने। प्रश्न 43, स्किनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? उत्तर है व्यवहारवादी। प्रश्न 44, नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? उत्तर है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। प्रश्न 45, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? उत्तर है कोहलर ने। प्रश्न नंबर 46, मानसिक रूप से मन बालकों को सीखने पर कौन सी सिद्धांत उपयोगी है? उत्तर है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। प्रश्न 47, संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? उत्तर है ब्रूनर ने। प्रश्न नंबर 48, ब्रूनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? उत्तर है संज्ञानवादी। प्रश्न नंबर 49, कौन सा सिद्धांत जीव विधि के हर क्षेत्र पर बल देता है? उत्तर है क्षेत्रीय सिद्धांत। प्रश्न नंबर 50, गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है? उत्तर है संपूर्ण या समग्र।